शो बेपनाह में आया नई ट्विस्ट, जो आदित्य इतने दिन जोया और यश की कंपनी के खिलाफ था, आज वही आदित्य यश की कंपनी को बचाने दे रहा है जोया के साथ। जी हाँ, अब जोया आदित्य एक दो में बांध चुका है। अब जोया के सपना पूरा करने आदित्य खड़ा है जोया के साथ। और दोस्तों आपको बता दें कि अब शो बेपनाह में एंट्री होने वाला है एक नई शख्स की, जो दिखेगी नेगेटिव किरदार में, और जोया आदित्य फंसेगा उस शख्स की रचा हुआ जाल में। जी हाँ, तो चलिए आपको बता देते कि जोया आदि एक साथ हुआ कैसे, आदित्य जोया के साथ उबारा है। असल में आने वाले एपिसोड में होगा यूँ की जोया अब यश की कंपनी को यश के लिए नहीं बल्कि कंपनी के हर एक एम्प्लॉयर्स के लिए काम करेगी और इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाएगी। फिर जोया के सपने इतने आसानी से पूरा होने से रहे। जी हाँ, क्योंकि 1 करोड़ की भुगतान ना देने के कारण से यश की कंपनी को सील कर दिया गया है। अब जोया कैसे इस कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाएगी, तब आदित्य आकर जोया को सपोर्ट करेगा और जोया के साथ खड़ा होने की वादा करेगा। आदित्य कहेगा, आज तक मैं सिर्फ इस कंपनी और तुम्हारी बर्बादी जहाँ पर, अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ इस कंपनी को बचाने। वाओ, बहुत दिनों बाद शो बेपनाह में नई और इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगा। और वैसे भी शो बेपनाह की हर एक दृश्य भी बहुत एक्साइटेड थी, तब शुरू होगी कहानी में नई ट्विस्ट, जहाँ पर आदित्य जोया की सारी नफरत होगी एंड और शुरू होगी प्यार की। पर इस नई शुरुआत में दोनों के बीच प्यार होगी या नहीं पता नहीं, पर अच्छी दोस्ती जरूर होगी दोनों के बीच, और वैसे भी प्यार तो होना ही है। वेल, फिलहाल तो देखना ये होगा कि जिस विलेन की एंट्री हो रहा है शो बेपनाह में, वो शख्स आखिर है कौन और उसका मकसद क्या है। वेल, इस नई और इंटरेस्टिंग कहानी को देखने के लिए अब तक एक्साइटेड कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं।